अच्छी नींद आ गई है, चलो मॉर्निंग वॉक पर। ये क्या है ये सब? ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई भाई, ये सब क्या चल रहा है? अरे ये क्या हो रहा है बाहर में, इतने सारे स्किपिडी टॉयलेट? ओ ये क्या हो रहा है, मेरे घर में भी आग लग गई है बहुत ज्यादा। दीदी इसकी बड़ी हमला कर दिया है। ओ भाई ओ माय गॉड, पूरे के पूरे विलेज में इसकी बड़ी है। हम लोग तो पूरे इसकी बड़ी से सराउंडेड हो चुके हैं। शेट, ये क्या हो गया है? अब क्या होगा आयुष? रुको, मेरे पास कुछ सामान है, मैं अपने बो एंड एरो लेके एक बार लोगों को मारने की कोशिश करता हूँ। बाप रे बाप, दीदी बहुत सारे स्किपिडी है आयुष, यहाँ तो पूरे भर भर के स्किपिडी है। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा स्किपिडी टॉयलेट्स है। बहुत ज्यादा, क्या करे आयुष? दीदी इनको तो वो लग भी नहीं रहा है भाई, इनके बाउंस हो रहे हैं भाई। हा? ये लोग टॉयलेट है ना, तो इनका सरफेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो क्या करेंगे? ये देखो मैंने मारा तो बाउंस बैक हो रहा थी। आयो मेरे को यहाँ से निकालो, मैं तो घर के अंदर फंस गई हूँ। दीदी एक काम करता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। यहाँ पे मैंने खड़े रहने के लिए ऐसे बनाया था, यहाँ से क्या मैं वहाँ कूद पाऊंगा? लेकिन उसके पहले मैं थोड़े बहुत सामान लेके आ जाता हूँ जो मेरे पास है। हाँ प्लीज जल्दी करो। मेरे पास तो बस यहाँ पे थोड़े से टूल्स और थोड़े से कोल है। अरे बाप रे, मेरे पे हमला हो रहा है, मेरे को भी इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। चारों तरफ से मैं घिर चुका हूँ उसकी बीड़ी से, तो यहाँ से मैं निकलता हूँ और यहाँ से मेरे को कूदना पड़ेगा। ओ शिट, सब जमा हो गया। ओ शिट, आयो अच्छे से आना, अच्छे से आना। ऐसे मेरे एकदम ढेर लगा लिया, मेरे को एकदम काट काट के खा जाएंगे ये लोग। अच्छे से करना। 1 2 3 बाप रे बाप, ये तो हम लोग को दी। मैं अंदर कैसे आऊं? अरे यहाँ कैंप फायर की यहाँ से जगह है, तुम वहाँ से आ सकते हो। ओके यहाँ पे चिमनी है, मुझे थोड़ी सी चोट लग सकती है, लेकिन स्किपिडी से तो बेटर है। अरे हमारे पीछे पड़ गए। और पता है यार मुझे भूख लगने लग गई है, क्योंकि मैं ऊपर से आया ना तो मुझे चोट भी लग गई, इस वजह से मेरा हंगर बार बढ़ गया है। भूख लग रही है तेरे को? मेरे पास तो खाना नहीं है और चेस्ट में भी कोई खाना नहीं है, अब क्या करे आयुष? मेरे को कुछ तो चाहिए था, वैसे भी टॉयलेट से इतनी गंदी बदबू आती कि मेरा नाक भी जल गया, मेरा गला भी सूख गया, मेरे को भूख तो लग रही है यार। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास इमरजेंसी के लिए खाना पड़ा हुआ है, वो मैंने बाहर रखा था इधर। बाहर में? हाँ बाहर में, कहाँ पे? ये इसके नीचे में रखा हुआ है, कुकी जार है। इसके नीचे में तूने कुकी जार रखा है? हाँ मैंने सीक्रेटली एकदम छुपा के रखा हुआ है। ओ भाई दीदी, आजू बाजू देख, हमारे आजू बाजू आ गए। अरे यार ओ शिट, ये लोग तो यहाँ पे आ गए हैं पूरे के पूरे। ध्यान रखना, इनके टच मत हो जाना भाई, ये टॉयलेट से हमारे पे गंदगी फेंक देंगे। ओ माय गॉड, आयुष जल्दी जल्दी निकाल ले। यहाँ पर इसी के नीचे होगी यार, यहीं पे पड़ गई। अरे मिल गया, वाओ ये ले। अरे दी इसके अंदर में कुकीज है, थैंक यू दी। निकाल ले तेरे को जितना चाहिए। हाँ यार वाओ, आ जा दी ऊपर आ जाते हैं। यार तूने तो बहुत सही काम किया रे कुकी जार रख के, तभी तो मैं सीक्रेटली और हर चीज इमरजेंसी के लिए रख के रखती हूँ। तो चलो हम लोग चलते हैं अंदर में, दी हमारे पास खाना भी है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ दिन तो आराम से सरवाइव कर सकते हैं, जब तक ये स्किबिडी जाते हैं। हाँ थोड़े दिन तो हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। दीदी एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन ये स्किबिडी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो ही तो, कब जाएंगे ये स्किबिडी यार, ये लोग क्यों यहाँ पे खड़े हैं? हम लोग का तो खाना वाना भी खत्म हो गया है, और भाई ये पानी भी पूरा खत्म हो गया, मेरे को तो प्यास लग रही है, और आग भी बुझने लग गया है, अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं हम लोग। हाँ अब क्या करें आयुष? ओ मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दी देख, हाँ? हम लोग विलेज में हैं, तो हो सकता है कि विलेजर्स के घर में कुछ खाना वाना हो, है ना? अरे हाँ विलेजर के घर में खाना होगा, और उन लोग उगाते भी तो है, उनके पास वैसे भी खाना होगा, तो मुझे लगता है हमें उनके पास ही जाना चाहिए। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? बाहर में तो स्किबिडी भाई हमला कर रखे हैं, मैं अगर गेट खोलता भी नहीं, 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 मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो, भाई बुरी तरीके से देखो हमला हो सकता है हम लोग के ऊपर। नहीं, यहाँ से तो जाना मुश्किल है, फिर क्या करें? हम लोग अभी यहाँ से ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। हाँ नहीं चढ़ सक रहे। काम करते हैं फिर, हम लोग ना
यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता कनेक्ट कर देते हैं, क्या बोलती हो? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ तो हम लोग इसको यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो चले चलो। मेरे पास तो कोई टूल नहीं है, मुझे तो हाथ से तोड़ना पड़ेगा लगता है। दी मेरे पास पिकैक्स है, ये पिकैक्स का यूज कर ले। ओ थैंक यू। तो चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे यहाँ से देखने दो कि हमें कितना डिस्टेंस आगे जाना है। हाँ तुम देखो और मैं तोड़ रही हूँ फटाफट। हाँ दी तुम थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हारा नेम टैग मेरे को दिख रहा है। तू हमें शायद 1 2 3 4 5 दी 5 ब्लॉक्स तो और तोड़ना ही है आगे। ओके ये मैंने तोड़ दिया आयुष। रुक 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 मेरे को देखने दे, नहीं तो एकदम गड़बड़ हो सकती है। ओ दीदी जहाँ पर तू है मेरे को लगता है हाँ ऊपर ऊपर हमें खोदना चाहिए। आई थिंक हम लोग हाँ खोद खोद लेट्स गो। यहाँ से अगर हटा, ओ अरे दी तूने गलत खोल दिया, वहाँ पे स्की बीडी है। ओ नो 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 बंद करो। अरे बाप रे, ओ शिट, अब क्या होगा अब क्या होगा? ओ हमें ध्यान से टनल खोदना पड़ेगा, हमें थोड़ा इधर इस डायरेक्शन से खोद, हमें इधर से जाना पड़ेगा। बाप रे बाप, चलो मैं इधर से तोड़ती हूँ। यार आयुष थोड़ा ध्यान से देख ले यार, इसकी बेटी मार देगा। अब अभी लेफ्ट ले, चलो ये ना लेफ्ट, और कहाँ जाना है? और खोद और आई थिंक अब हमें ऊपर जाना चाहिए, अब सही है। ओके मैं ऊपर खोद रही हूँ, लेट्स गो। मेरे को लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से अब तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसको खोदेंगे तो शायद मेरा घर ही निकलना चाहिए। यस ये हमारा घर ही है, दी इसको खोल और ये मैं तोड़ देती हूँ। चलो भाई आ गए तुम्हारे घर में। यस लेट्स गो यार। अभी यार हम लोग यहाँ पर तो आ गए हैं, अभी हमें यहाँ से ना वहाँ उस वाले घर में जाना चाहिए, वहाँ पे सप्लाईज मिल सकते हैं। तो चलो दी हम लोग यहाँ से और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तू चल टनल खोद, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे जाना है। ओके आयुष मैं तोड़ रही हूँ, तू मेरे को बता हाँ कैसे जाना है। यहाँ से राइट लेते हुए निकल जा, राइट ले और फिर मैंने सीधा राइट ले लिया थोड़ा सा और अब हमें सीधा जाना है। अभी हम लोग यहाँ से सीढ़ी बनाते हैं और क्या हम लोग विलेज के घर में आ गए। यस यस वाओ वाओ वाओ। तो अभी हम लोग इसको तोड़े तो यस ओ यस हम लोग विलेजर के घर में आ गए। यस और इसके अंदर में वाओ सप्लाईज है, पोटैटो कैरेट ड्रिल, अरे यहाँ तो लैडर भी है और ये क्या है माइनिंग ड्रिल। चलो इन सब को ले लेते हैं, लेट्स गो। वाओ आयुष आई एम सो हैप्पी। और दिए ले माइनिंग का पहन ले। तो हमें यहाँ पे माइनिंग ड्रिल मिला है, तो माइनिंग ड्रिल की हेल्प से हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं ना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वाओ ये तो बहुत ही कूल भी है दी, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है जिससे हम लोग स्कीबीडी के होते हुए भी काफी टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। क्या आइडिया है मुझे भी तो बताओ। मुझे लगता है हमें अंडरग्राउंड अपना किंगडम बना लेना चाहिए, लेट्स गो। वाओ 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 क्या बात है, और अभी तो हमारे पास खाना भी है। हाँ तो हम लोग अंडरग्राउंड में अपनी पूरी फैसिलिटी बना लेते हैं, हम लोग अपने हाउस को तुम्हारे हाउस को सब कुछ कनेक्ट कर देंगे, देखना बहुत मजेदार होगा। यस तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से खोदना शुरू करेंगे। दी तब तक तू ये पिकैक्स और शॉवल ले और मैं यहाँ पर ड्रिलिंग से इसको खोदता हूँ। वाओ ये तो बहुत ही कमाल का ड्रिल है, ये तो बहुत फास्ट टूट रहा है। हाँ तो इससे हम लोग यहाँ पे अपना पूरा अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं, लेट्स गो। वाओ मैं पिकेट से थोड़ा बहुत तोड़ देती हूँ। हाँ तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं अपने घर को और उस विलेजर के हाउस को कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से हम लोग इसे तोड़ते चलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम तोड़ते चले तो यहाँ से तो विलेजर का घर आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आ गया मेरा घर, ये देखो मेरे घर से दीदी का घर इस डायरेक्शन में था, तो अगर हम लोग यहाँ से खोदते जाए तेरा घर आ गया। ओ, वाओ। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड किंगडम बना देते हैं, लेट्स गो। क्या बात है मजा आने वाला है। दी हम लोगों ने यहाँ पे अपना किंगडम तैयार कर लिया है अंडरग्राउंड का। यहाँ से देखो ये आ गया है दीदी का घर, यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ पर है मेरा घर। तो यहाँ से हमें ऊपर जाने के लिए एक काम करते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करके नीचे ला देते हैं और हमें विलेजर के घर में लैडर मिला था ना, तो हम यहाँ पे लैडर लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा ये घर कनेक्ट हो जाएगा, लेट्स गो। तो दी अब हमें अंडरग्राउंड में सर्वाइव करने के लिए खाने की जरूरत है, तो हमें पोटैटो और कैरेट्स भी मिले थे। यस तो इनसे हम लोग यहाँ पे फार्मिंग भी कर सकते हैं, हमारे पास डर्ट भी है। ओह
नाइस आइडिया, हाँ चलो फार्मिंग करेंगे। हाँ ये देखो यार कितने सारे हमारे पास पोटेटो और कैरेट्स है। वाओ अभी देखो सब फार्मिंग करती हूँ मैं। लेकिन लेकिन दीदी हमें पानी की भी तो जरूरत पड़ेगी। ओ हाँ पानी कहाँ से लाए अब? हमारा तो पानी भी खत्म हो गया था घर में। अब क्या ही किया जा सकता है, कैसे प्लांट्स उगेंगे अब? मेरे को जहाँ तक याद है इस विलेज में फार्मिंग भी हुई हुई थी एक तरफ। हाँ हुई हुई थी ना, तो एक बार देखते हैं वो कहाँ पर हुई थी। यहाँ से अरे ये रहा बगल में ही है, ये देख। ओ हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। अरे यहाँ पे लैडर भी है, ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा हाँ, अरे ये रहा पास में ही है। वाओ तो यहाँ से हम लोग पानी का सोर्स अपने नीचे तक ला सकते हैं। लेट्स गो यार, यही चीज करना पड़ेगा। तो हमें विलेज के लिए वहाँ पर जाना है, तो मुझे यहाँ पर ड्रिलिंग करनी होगी। तो यहाँ से हम लोग ड्रिलिंग करते हैं ताकि हम लोग पानी के सोर्स तक पहुँच पाए। दीदी क्या लगता है यहाँ पर होगा? तो आई गेस अब इधर में ही होना चाहिए। पानी आ गए। सब तो फार्मिंग हो पाएगी। यस, तो अभी हमें इस पानी के सोर्स को एक जगह लाना होगा ताकि हम फार्मिंग अच्छे से कर पाए। ओके तो दी अब हमें पानी को कंट्रोल में लाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया है पानी का सोर्स। तो यहाँ पर आई गेस ये अच्छे से एक लाइन पकड़ ली है पानी ने, तो अब हम लोग यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं। ओके यहाँ पर हम लोग अगर हो का यूज करें तो यस फर्टिलाइज हो गया है। या लेट्स गो नाइस। तो यहाँ पे अब हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन यार फार्मिंग के लिए तो इनको लाइट की भी जरूरत होती है। yes. और मेरे पास कुछ टॉर्चेस हैं। ओके तो यहाँ पर अगर हम लोग लगाएं तो आई गेस अब ये सही होना चाहिए काम। yes, अब होने लग गई फार्मिंग। वाओ अरे बहुत सही दीदी, अब हम लोग के पास यहाँ पे बहुत जल्दी खाना हो जाएगा। yes. और ये एक महीना बीत गया है हार्दी, और ये देखो हम लोग का अंडरग्राउंड किंगडम कितना सुंदर लग रहा है ना। हमने पूरे चेंजेस कर ली। ये देखो हमारा बेड। हाँ यहाँ पर हम लोग सोते हैं। यहाँ पर हमारा फार्म देखो कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। यस यहाँ पर हम लोग पोटेटो की फार्मिंग करते हैं, यहाँ पर हम लोग कैरेट्स की फार्मिंग करते हैं। यहाँ से आता है विलेजर का हाउस जहाँ पर हमें सामान मिला था, और अंदर आकर यहाँ से हम लोगों ने अपना लिविंग एरिया बनाया है, और उसके बाद में यहाँ पर जाता है दीदी का घर इस तरीके से, और यहाँ पर बीच में है मेरा घर। तो ये पूरा कनेक्टेड है। हमारे पास तो यहाँ पर बहुत सारे सप्लाई हो गए, अब हम लोग को टेंशन नहीं है बिल्कुल भी इसकी बीड़ी से। वो दी थोड़ा सा नाश्ता कर लो, ये लो खाओ। वाओ इतने टेस्टी टेस्टी और फ्रेश कैरेट्स। लेट्स गो। हाँ और दी इतना मेहनत किया था, अब क्या करें? आयुष सब जगह इसकी बीड़ी इसकी बीड़ी है, ये देख। अरे दी मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था, ये देख ये? मैंने यहाँ पे एक सीक्रेट वॉल्ट बनाया था, इसके अंदर में है एक चेस्ट। क्या तुम्हारे पास में सीक्रेट चेस्ट है? यस, मैं इसके बारे में एकदम भूल गया था, और इसके अंदर में इलाइट्रा है। ओ वाओ दी मुझे लगता है हमें यहाँ से ऊपर जाके, यहाँ पे इसकी बीड़ी बहुत ही ज्यादा है और ये हम लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो हम लोग इलाइट्रा पहन लेते हैं और रॉकेट हाथ में लेके दी हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं। चलो दी लेट्स चलो गो। दी यार गाइस हम लोग को तो शहर छोड़ना पड़ा, और तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो लास्ट वीडियो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, उसे जाके देख सकते हो। तो चलो हम लोग मिलते हैं उन वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।